क्या पीसीओडी जड़ से जा सकता है? क्या पीसीओडी का कोई परमानेंट क्योर है? क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है या ज़िंदगी भर इसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? जिन भी मरीज़ों को पीसीओडी होता है वह काफ़ी परेशान रहते हैं, वह जानना चाहते हैं कि क्या हमें लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, क्या ये कभी पीसीओडी ठीक होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जी हाँ, पीसीओडी का परमानेंट क्योर पॉसिबल है, पीसीओडी जड़ से जा सकता है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको डिटेल में समझाऊंगी कि पीसीओडी को जड़ से मिटाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारी दवाइयाँ बंद हो जाएँ तो यह वापस ना आए, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही दवाइयाँ बंद की जाती हैं वापस से पीसीओडी के पेशेंट्स की प्रॉब्लम वापस आनी शुरू हो जाती है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये परमानेंटली क्योर हो जाए? तो चलिए जानते हैं हम पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी देखिए होता क्या है। पीसीओडी, जैसे कि हम पीसीओएस भी कहते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से यह जाना जाता है। इसमें बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके अंदर की बॉडी के अंदर ओवरी में छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती हैं, इसीलिए इसका नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी कि पॉली यानी बहुत सारी, सिस्टिक यानी सिस्ट, छोटी छोटी पानी की सिस्ट, ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी ओवरी के अंदर छोटी छोटी सी सिस्ट। ये बहुत बड़ी सिस्ट नहीं होती, फ्यू मिलीमीट्रिक साइज़ की सिस्ट होती है। बहुत बार पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं, मैडम ओवरी में सिस्ट बन गई है तो क्या सर्जरी की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसे केसेस में कोई सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो इसकी, क्योंकि जो सिस्ट होती है वो बहुत बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी सिस्ट होती हैं, तो इसमें ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, हॉर्मोन्स थोड़े इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स यानी कि मेल हार्मोन्स की वैल्यूज़ बॉडी के अंदर बढ़ जाती है और फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण कि बॉडी के अंदर कई प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, आप कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, जिसमें कि कॉमन होता है वज़न का बढ़ना, आपके पीरियड्स का डिले होना, पीरियड्स लेट लेट आना, कम आना, पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लीडिंग कम हो जाना, फ्लो कम होना, स्कैंटी पीरियड्स आना, मूड चेंजेस आना, बिना फालतू चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, रोना आना, डिप्रेशन होना, बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, फेशियल हेयर्स आना, अपर लिप्स पे, चिन पे हेयर आना, स्कैल्प से हेयर फॉल होना, पिंपल्स होना, एक्ने होना, बच्चा ठहरने में दिक्कत आना, कंसीव करने में प्रॉब्लम आना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो जब भी आप यह प्रॉब्लम लेके अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो आपको यूजुअली कुछ हार्मोन की दवाइयाँ दी जाती हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करने की भी दवाइयाँ दी जाती हैं। आपको डेफिनेटली वो तो लेनी ही लेनी है, लेकिन उसके साथ में क्या ऐसा करना है जिससे कि जब ये दवाइयाँ बंद हो, यूजुअली इन दवाइयों का 3 से 6 महीने का कोर्स आपको दिया जाता है, तो आपको 3 से 6 महीने का कोर्स लेने के साथ में और क्या ऐसा करना है जिससे कि जब ये कोर्स बंद हो तो ये वापस ना आए। नॉर्मली पेशेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो दवाइयाँ ही दवाइयाँ खाते रहते हैं, दवाइयाँ तो खाते हैं लेकिन जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है वो करते ही नहीं है। इसके कारण जब तक वो दवाइयाँ खाते हैं तब तक कहानी ठीक रहती है, जैसे ही दवाइयाँ बंद करते हैं वैसे ही प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। कुछ ओवर एंथुसियास्टिक पेशेंट्स होते हैं, वो दवाई एक भी गोली नहीं खाते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से आ जाए। तो देखिए, खाली लाइफस्टाइल चेंजेस से भी थोड़ा सा मुश्किल मामला होता है, अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं। तो आपको जो आपके डॉक्टर दवाई दें, हम लोग रूटीनली प्रिस्क्राइब करते हैं 3 से 6 मंथ्स का कोर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को भी हमारा बिजी ओपीडी शेड्यूल में हम एक एक पेशेंट को पूरा डिटेल में क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करना है वह नहीं समझा पाते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली दवाइयाँ तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर ही देंगे, मेरे पास आने वाले पेशेंट्स को भी मैं हार्मोन्स और जो इंसुलिन जो रेजिस्टेंस उसको ठीक करने की जो दवाइयाँ देती हूँ वो तो लेनी ही है, पर महत्वपूर्ण यह है कि लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि आपको क्या और करना है कि ये वापस ना आए और जड़ से चला जाए। इसके अंदर हम सबसे पहले आते हैं डाइट पे। डाइट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए डाइट के अंदर सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको अपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है,
कार्ब्स और फैट कम कर देना है। देखिए मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपको डाइटिंग करनी है, कैलोरी कटिंग करनी है, आप बहुत कैलोरी डिफिसिट डाइट पे चले जाइए, जी नहीं। आप बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट करने के लिए दवाइयाँ लीजिए, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ना ही आपको कोई डाइटिंग करना है, ना ही आपको ऐसा करना है कि आप पूरे एक हफ्ते तक सिर्फ एक ही खाना खाती रहें, पूरे एक हफ्ते तक तरबूज खाइए। बहुत से मरीज हमारे पास इस तरह से भी लेके आते हैं कि हमें ऐसे दिया जा रहा है पूरा एक हफ्ते तरबूज खाना है, फिर पूरे एक हफ्ते पपीता खाना है, फिर पूरे एक हफ्ते दूध पीना है। तो देखिए प्रैक्टिकली मैं बोलूँ, ये चीज़ें ना आप लॉन्ग रन तक बहुत लंबे समय तक नहीं पेशेंस फॉलो कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। आप कब तक ज़िंदगी भर एक हफ्ते तक एक ही खाना खाती रहेंगी? तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है, कार्ब और फैट का इंटेक कम करना है। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली कम कर पाएंगी। प्रोटीन किन चीज़ों के अंदर होता है? प्रोटीन होता है आपकी, जैसे कि अगर मैं वेजिटेरियन डाइट की बात करूं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज तो काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, नॉन वेज में एग्स में अच्छा खासा होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है हम वेजिटेरियन लोगों के साथ में, वेजिटेरियन डाइट में, क्योंकि बहुत प्रोटीन के सोर्सेज नहीं होते। लेकिन प्रोटीन फिर भी किस किस में अच्छे अमाउंट में हमारी वेजिटेरियन डाइट में होता है, वह होता है आपका पालक है, आपकी दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, लेंटल्स हैं, इन चीज़ों के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छे अमाउंट में होती है। हरी सब्जियां और फ्रूट्स आप ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कीजिए, रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड आटा मैदा इनका प्रयोग नहीं कीजिए। जो प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड आइटम्स हैं, यानी कि चिप्स हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैक्ड जूसेस हैं, इनका प्रयोग कम करके आप हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स, सैलड्स इनका प्रयोग अधिक मात्रा में कीजिए। गेहूँ की जगह आप ज्वार, बाजरा, जौ, मकई इनका प्रयोग अधिक मात्रा में कीजिए, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ये आपकी बॉडी में बहुत ही धीरे स्पीड पे शुगर रिलीज करते हैं, जिसके कारण की जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वह काफ़ी हद तक ठीक होती है। प्रोटीन का इंटेक भी जब आप अपनी डाइट में बढ़ाती हैं तो भी जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या चली आ रही होती है, जो कि एक बहुत ही की फैक्टर है इस पीसीओडी के अंदर, वह बेहतर होता है। तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए आप बहुत सिंपल सी चीज़ें, जैसे कि हम लोग नाश्ते में क्या करते हैं, इवन बहुत लोग डाइटिशियन के पास जाके डाइट ले रहे होते हैं, और डाइट में क्या ले रहे होते हैं, हल्की डाइट के नाम पे वे पोहा ले रहे होते हैं, कोई सूजी का उपमा खा रहा होते हैं, या खाखरे खा रहे होते हैं। तो ये बहुत ही फनी सी चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी डाइट नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कार्ब ही कार्ब भरा है। पोहा क्या है? पोहा इज़ जस्ट राइस। मैं कई बार अपने पेशेंट्स को डाइटिशियन के पास भी मैंने भेजा, लेकिन मुझे ये वीडियो खुद से इसलिए नहीं बनाना पड़ रहा है क्योंकि कंसेप्ट्स बहुत ही हिले हुए हैं। लोग डाइटिंग के नाम पे पोहा, उपमा, खाखरे ये चीज़ें खा रहे होते हैं। आपको पोहा, उपमा, खाखरा नहीं खाना है, आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। तो आप क्या ले सकते हैं? आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, अंकुरित मूंग है, मोठ है, चना है, इनको भी आप टेस्टी बना के खा सकते हैं। इसके अंदर आप सैलड डाल के, प्याज, टमाटर, खीरा डाल के काट के इनके अंदर खा सकते हैं, जो कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको अगर ब्रेकफास्ट ही करना है तो आप दाल के चिल्डे लीजिए, बेसन का चिल्डा लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। बहुत सी बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैडम दूध नहीं पीना है, डेयरी प्रोडक्ट्स तो पीसीओडी में मना किया जाता है। तो देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स का आपको एक्सेस नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल ना है पीसीओडी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको पीसीओडी है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल लेना ही नहीं है, दूध दही छाछ बिल्कुल लेना ही नहीं, जी नहीं, आप दूध दही ले सकते हैं। हाँ, बहुत ओवर एक्सेस नहीं कीजिए इस चीज़ का, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में तो दूध दही ही है जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, बाकी आपकी दालें हैं और आपके नट्स हैं। नट्स का प्रयोग अच्छी मात्रा में कीजिए, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, न केवल प्रोटीन के अंदर रिच होते हैं बल्कि मैग्नीशियम और जिंक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके पीसीओडी को बेटर करती है। जी हाँ, मैग्नीशियम और जिंक, पहली बात मैंने की प्रोटीन की, अब मैं आती हूँ मैग्नीशियम और जिंक पे। मैग्नीशियम किस चीज़ में आपके अच्छे मात्रा में मिलता है? मैग्नीशियम आपको मिलता है बादाम के अंदर, ब्रोकोली के अंदर, पालक के अंदर, इनमें मैग्नीशियम, केले के अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जिंक का इंटेक बढ़ाइए, जिंक के आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट फॉर्म में मैग्नीशियम जिंक दोनों ही अवेलेबल रहते हैं। आप नेचुरल रूट्स पे जाना चाहते हैं तो जिंक के लिए डेफिनेटली वास्पे से मैं आती हूँ ड्राई फ्रूट्स के ऊपर, जिसमें कि आपके हैं बादाम है, अखरोट है, इन चीज़ों का प्रयोग अधिक मात्रा में कीजिए। आप
लेग्यूम्स है, लेंटिल्स है, इसमें भी जिंक अच्छी मात्रा में होता है, तो इन चीज़ों का प्रयोग अधिक मात्रा में कीजिए। PCOD बेसिकली एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, यानी कि इसमें ओवरीज में ये जो छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती हैं, और ये हम बोलें तो ओवरी में हल्की फुल्की सूजन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। फाइबर इनटेक आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जिससे कि PCOD बेहतर हो जाता है। फ़ाइबर का इंटेक आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप डेफिनेटली हरी सब्जियां ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, सैलड्स लीजिए, आप लेग्यूम्स लीजिए, आप ईसाबगोल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ईसाबगोल डेली सुबह एक चम्मच और शाम को एक चम्मच अगर आप लेंगे तो आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वह थोड़ा कम होगा, और वह आपके PCOD में हेल्प करेगा। इट विल बी बेनिफिशियल इन योर PCOD। बहुत छोटी सी चीज़ है ईसाबगोल, बट जेन्युइनली यू कैन ट्राई इट, इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो ईसाबगोल का प्रयोग आप कर सकते हैं फाइबर के लिए। आपकी डाइट में केफ़ीन का इंटेक कम मात्रा में होना चाहिए। केफ़ीन किस में होता है? चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स हैं, कोला है, तो केफ़ीन के अमाउंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कीजिए। दैट विल आल्सो हेल्प यू, उससे भी आपका PCOD के अंदर बेहतर रहेगा। सिनेमन और टर्मरिक, दालचीनी और हल्दी, सिनेमन जिसे हम दालचीनी भी कहते हैं, टर्मरिक या हल्दी, यह दोनों चीज़ें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करती हैं। तो दालचीनी और हल्दी का प्रयोग भी आप बढ़ा सकते हैं, वह भी आपके PCOD में हेल्पफुल रहता है, कारगर रहता है। इन दोनों ही चीज़ों का प्रयोग करने से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में चल रहा है वह कम हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, ये दोनों भी काफ़ी हद तक PCOD को बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। मायोनिसिटॉल के हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, नेचुरल फॉर्म में इतना इजीली नहीं मिलता है। विटामिन डी का प्रयोग आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में कर सकते हैं। आप चाहते हैं विटामिन डी नेचुरल उसमें लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली डेयरी प्रोडक्ट्स इज़ अ गुड सोल्यूशन। अनदर थिंग इज सनलाइट, नेचुरल सनलाइट में विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। सनलाइट में आप सुबह 10 से 15 मिनट भी रहेंगे तो आपको गुड अमाउंट में विटामिन डी मिल जाएगा। विटामिन डी भी आपके PCOD को बेहतर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो रहता है। तो बेसिकली ये बेसिक चीज़ें आप अपनी डाइट में अगर मॉडिफाई कर पाएंगे तो जब हम आपकी दवाइयाँ बंद करेंगे तो PCOD जड़ से जा सकता है, जी हाँ। लेकिन खाली डाइट अकेला वर्क नहीं करेगा, उसके साथ आपको इसको क्लब अप करना पड़ेगा एक्सरसाइज से। जी हाँ, एक्सरसाइज भी PCOD के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज किस तरह की? इट शुड बी समथिंग कार्डियो बेस्ड। कार्डियो बेस्ड यानी कि अगर मैं बोलूँ तो तेज़ दौड़ना, जॉगिंग करना, आप डांस कर सकते हैं, फास्ट डांस, जुम्बा, स्विमिंग, बैडमिंटन, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन योगा भी करना है तो पावर योगा, जो भी कार्डियो फॉर्म में हो, एक घंटा आप डेली एक्सरसाइज करेंगी कार्डियो फॉर्म में तो वह भी आपको PCOD को जड़ से हटाने में काफ़ी मदद करेगा। स्ट्रेस का अमाउंट कम होना चाहिए, कहना बहुत आसान है, मैंने तो कह दिया स्ट्रेस कम होना चाहिए, पर इतना आसान नहीं है कि स्ट्रेस मैंने कहा और स्ट्रेस कम हो गया। तो स्ट्रेस कम कैसे हो, उसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा, मेडिटेशन भी आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। फॉलो योर बायोलॉजिकल क्लॉक, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कीजिए, यानी कि समय पर सोइए, समय पर उठिए। हमारी ह्यूमन बॉडी इस हिसाब से ही बनाई गई है, इस हिसाब से ही नेचुरली बनी हुई है कि हम सूरज ढलने के बाद सो जाएं, कि 2-3 घंटे में सो जाएं और सूरज उगने के साथ में हम उठ जाएं, यानी कि हमें 10-11 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा, लेट से लेट बोल रही हूँ, तो मैं 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा बैलेंस शेप में चलते हैं। हमने बहुत कॉमनली देखा है कि जो लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं उनमें हॉर्मोन्स काफ़ी डिस्टर्ब चलते हैं। बहुत से लोग US बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं, पूरी रात भर जगते हैं, दिन में सोते हैं। अब भले ही सो तो वो इतने ही घंटे लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका PCOD जड़ से जाए तो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कीजिए, वह भी बहुत ज़रूरी है आपके PCOD को जड़ से हटाने के लिए। तो
लाइफ के अंदर अगर आप ये बेसिक कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पीसीओडी जड़ से जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो पेशेंट्स हमारे पास कॉमनली कंप्लेन लेके आते हैं कि मैडम दवाइयाँ ली फिर ये वापस आ गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका होमवर्क पूरा नहीं होता, यानी कि दवाई तो वो ले लेते हैं लेकिन ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वह नहीं कर रहे होते। उसको आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए, तो अगर आप उसे ढंग से फॉलो करेंगे तो जब हम दवाइयाँ बंद करेंगे तो ये वापस कमबैक नहीं करेगा। अगर आपका ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस वाला पार्ट ढंग से चल रहा है तो आपको दवाइयों की जो ज़रूरत है वह इतनी अधिक नहीं पड़ेगी। बहुत बार पेशेंट्स का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि कुछ कुछ इसको लेके है ना, कुछ मिथ्स बहुत ज़्यादा रहते हैं कि मैडम पीसीओडी है तो डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना लें, या पीसीओडी है तो हम मूनलाइट में बैठें उससे कुछ बेहतर होगा। तो फ्रैंकली बोलूँ, दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, कीपिंग योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री एंड फॉलोइंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक, प्लस आपके डॉक्टर ने जो आपको हार्मोन और इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो दवाइयाँ दी हैं वह थोड़े समय के लिए लीजिए, पीसीओडी जड़ से चला जाएगा। और एक और चीज़ जो पहले के ज़माने में बहुत कॉमनली कहा जाता था कि शादी होने, बच्चे होने के बाद में पीसीओडी ठीक हो जाता है या हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने के बाद में पीसीओडी का ऑटोमेटिकली ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो रीशेड्यूल हो जाते हैं, पूरे हार्मोन्स एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी होने के बाद में पीसीओडी ऑटोमेटिकली ठीक होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वह बढ़ जाती है। शादी के बाद इतने चेंजेस नहीं आते इसलिए वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के बाद डेफिनेटली पीसीओडी ठीक हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ब्राइट होती है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होइए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि आपको पीसीओडी हो गया है तो आपको लाइफ लॉन्ग इसी के साथ रहना है। पीसीओडी इज़ क्योरेबल, बट यू हैव टू डू योर होमवर्क रिलीजियसली। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।